वेलकम टू ऑल ऑफ दी, स्वागत है जी एक बार तो फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल दे विच। अपने क्लास जिहड़ी लगातार चल रही सी CDP दे नाल, इस तो पहले जिहड़े अपने दो टॉपिक बन चुके ने, दो लैक्चर। अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक होगा लैक्चर नंबर 3, ठीक है जी। MCQ क्वेश्चन कर रहे सी जिहदे विच आपां, सो अज भी जिहड़े आपां 15 MCQ क्वेश्चन जिहड़े 15 करांगे। सो चैनल दे उप्पर जिहड़े सब तो पहली वारी नवीं वारी जुड़ रहे ने, है ना, फस्ट बार आ रहे हैं, सो चैनल में सबसक्राइब जरूर करना। प्लेलिस्ट के जाके इस तो जो पिछले दो लैक्चर बन चुके हैं तुम उन्होंने भी देख सकते हो। और इस तो इलावा जोड़े बच्चे PS टैट की तैयारी करने, चाहे ETT वाले चाहे BEd वाले ने, सो जो चैनल है इसके उपर जो पुरानी क्लासें भी तुम्हें जो प्रोवाइड मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी नैक्सट वीडियो। इस तो इलावा तुम किसी भी गौरमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पंजाब लेवल का कोई भी पेपर हो, तो जी हर एक जी तैयारी है साढ़े चैनल के उपर प्रोवाइड मिलेगी, ठीक है जी। सो आओ स्टार्ट करते हैं अब जो अपना लैक्चर नंबर 3। सो फस्ट क्वेश्चन देखो, चंगी मानसिक सेहत के सूचक हैं, चंगी मानसिक सेहत के सूचक हैं दूसरों की आलोचना करना, जिद्दी व्यवहार ला लो, भावनात्मक कंट्रोल, या दिंदे सुपने देखना। दो लैक्चर बन चुके ने, मैं तुहानू दो लैक्चरां दे विच यही कहा पिछली बार कि चाहे अपने क्वेश्चन 15 होण चाहे 20 होण, है ना, तुसीं खुद भी गैस लगा के देखा करो कि तुहाडे जिहड़े 15 दे विचों जां 20 दे विचों किन्ने क्वेश्चन तुहाडे सही गए ने। तो हुण इहनां नूं गैस लगा के देखणा तुसीं क्वेश्चन नूं कि इस दा राइट आंसर उह किहड़ा बणेगा। चंगी मानसिक सेहत, मानसिक सेहत दा कहिंदे राज किहड़ा हुंदा गा। सो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर बणदा जी अपना नंबर उह सी क्वेश्चन, हाँ सॉरी सी ऑप्शन, कि भावनात्मक कंट्रोल। चंगी मानसिक सेहत वाला परसन उही होगा जिहदे मानसिक अपने मन के उपर भावनात्मक कंट्रोल होणगे। ये नहीं कि ज़्यादा कि किसी दुख के आने के कारण वह जल्दी ही की हो जाता गा, रोन लग जाता, तो खुशी आने के समय की हो जाता, संभाल नहीं सकता, ठीक है। ठीक है जी, इस तो अगे देखो नैक्सट क्वेश्चन, ये दो तीन विच कंप्यूटर के क्वेश्चन ने। इसनों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ऑप्शन देखो, मदरबोर्ड, CPU, RAM या ROM, वो केड़ी ऑप्शन है जिसनों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। राइट ऑप्शन है बी CPU, ठीक है जी CPU। नैक्सट क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की विशेष विशेषता है, कंप्यूटर की खास विशेषता केड़ी मनी जाती है, स्पीड, सप्लाई, शुद्धता या उपरोक्त सारी। स्पीड, सप्लाई या शुद्धता, राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सारे, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर, कंप्यूटर सह सिखलाई की विशेषता है, अध्यापक का अध्यापन का काम आसान हो जाता है, भाव कि एक टीचर के लिए टीच करना आसान हो जाता है, सिलेबस आसानी पूरा हो जाता है, होनहार बच्चों लिए फायदेमंद, भाव कि जिहड़े बच्चे स्पैशल चिल्ड्रन नहीं कह सकते आपां, क्रिएटिव ला लो, है ना, क्रिएटिव बच्चों लिए फायदेमंद हुंदा गा, विद्यार्थी अपनी रफ्तार दे नाल सीखते हैं। सो राइट आंसर बनता है सी दा डी, जिहड़े स्टूडेंट ने वो अपनी रफ्तार कह लो अपनी स्पीड दे नाल सीखते हैं, है ना, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, दोबारा अपनी जी CDP शुरू होगी, इतों हेठ दिते आडियो विजुअल एड विचों केड़ियां प्रभावशाली सीखने के उद्देश्य हैं। आडियो विजुअल तो समझते हो, आडियो किहड़े हो गए जिहड़े आपां सिर्फ सुन सकते हैं, जिवें लिंगुआ फोन, है ना, वह आडियो दे विच आ जूगा। इस तो इलावा विजुअल किहड़े हुंदे ने जिन्हां नूं आपां देख भी सकते हैं तो सुन भी सकते हैं, ठीक है जी, जिवें TV ला लो, फोन लगा लो, देखो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर तस्वीर या टैलीविजन। स्थिर तस्वीर का उही मतलब हो गया जिवें चार्ट कह लो, चार्ट एक स्थिर ही हुंदा गा कि एक जिहड़ी दीवार दे उपर लग्या हुंदा गा, जिस दे विच जिहड़े बच्चों नूं अल्फाबाइट हुंदे ने जां उड़ाड़ा वह चीज़ होगी, है ना। टेप रिकॉर्डर भी आपां सिर्फ सुन सकते हैं गी, रेडियो भी सिर्फ सुन सकते हैं गी, टैलीविजन की हो गया राइट आंसर, टैलीविजन की हो गया राइट आंसर, ठीक है जी। सो एक मिनट ऑप्शन देखो, इतने कहते हेठ आडियो विजुअल एड विचों केड़े प्रभावशाली सीखने के उद्देश ने, राइट आंसर बनता इसका फोर्थ, राइट आंसर फोर्थ, भाव कि सारे। आडियो विजुअल पूछे ना उन्होंने, सुनने वाले भी
इकले सुन वाले भी तो दूसरे सुनते देखने वाले दोनों तो सो इतने जाके उलझ ना जाए। पी एस टैट के जो पेपर होंगे ने ना उन्होंने इस तरह जाके क्वेश्चन पूछा जाता उत्तर आप करते हैं ऑप्शनों ध्यान न पढ़ते आप चाके सीधा की लगावगी टीवी नहीं इन्होंने दोनों पूछे ने गे तो इतने की होगी ऑप्शन सारिया ए बी बी सी डी सारी फोर्थ आंसर ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो इतना थोड़ा जि यह गलत है पंजाबी दे विच जिवें लिखा होया जेकर इंग्लिश दे विच हुंदा इंग्लिश दे विच सही हुंदा गा इत्थे स्फैलोकोडस आऊगा। स्फैलोकोडस थ्यूरी के अनुसार कहिंदे विकास किवें हुंदा गा खब्बे तो सज्जे सज्जे तो खब्बे पैरां तो सिर जां सिर तो पैरां तक इस दा राइट आंसर है जी वो नंबर चार सिर तो पैरां वल ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो सिखलाई अते अभ्यास नाल संबंधित हन सिखलाई अते एक्सरसाइज नाल संबंधित हन बोधवाद रचनावाद व्यवहारिकता या उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। राइट आंसर नंबर बी रचनावाद ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो लिंगुआ फोन एक उदाहरण है मैं तुम्हें तो पिछले भी दस के गई है ना क्वेश्चन के उपर आप कि जोर लगाया लिंगुआ फोन किस चीज़ का उदाहरण है आडियो समगरी आडियो विजुअल समगरी सिख्यात्मक समगरी या दिख समगरी। देखो लिंगुआ फोन किस चीज़ का उदाहरण है राइट आंसर नंबर ए आडियो जिसनों सिर्फ सुन सकते हैं। हुण इत्थे एक गल होर नोट कर लियो लिंगुआ फोन यूज़ किन्हां वास्ते किया जाता गा उन्हां बच्चों वास्ते यूज़ किया जाता गा जिहड़े बच्चे किसी शब्द को सही नहीं सुन पा रहे किसी शब्द को या भाषा को सही उच्चारण बोल नहीं सकते या समझ नहीं सकते है ना। सो उन्होंने कन्नों उपर कहते यही लिंगुआ फोन लगा के ना उस चीज़ को बार बार दोहराया जाता गा उस शब्दों बार बार दोहराया जाता बच्चे क्लियरिटी करके सुनाए जाते हैं वह ठीक है जी। वो चीज़ होंगी है ये अगे देखो इन्हां विच्चों किहड़ा एक दूजे विकल्पां नाल संबंधित नहीं है प्रश्न अते उत्तर सैशनां दा आयोजन करना स्वै मुलांकण दे हुनर दा माडलिंग विषय अते विद्यार्थियों की फीडबैक लेना या प्रश्न क्विज। देखो खुद भी गैस लगा के देखा करो कहिंदे किहड़ा एक दूजे दे विकल्पां नाल संबंधित नहीं है सो राइट आंसर नंबर बी स्वै मुलांकण दे हुनर दा मॉडलिंग ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो नौ नंबर मार्गदर्शन अते सिखण विच समानता है मार्गदर्शन करना अते सिखण दे विच की समानता पाई जाती है कहिंदे दोवें विद्यार्थी केंद्रित हुंदे हन दोवें विशा केंद्रित हुंदे हन दोवें पिछोकड़ अते पाठ विश्लेषण उपर जोर दिंदे हन या उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। राइट आंसर बनता इस क्वेश्चन का नंबर ए दोवें की होंगे ने विद्यार्थी केंद्रित होंगे ने क्योंकि मार्गदर्शन भी आप बच्चों का ही करते हैं है ना। सो सीखते भी कौन ने बच्चे हूँ एज एक टीचर लगा लो एज एक टीचर आप सही टेंथ तो बाद लगा लो आप बच्चों की मार्गदर्शन करते हैं कि तुसी भाई प्लस टू के जाके या प्लस वन के जाके आह आह जो सब्जेक्ट ने वो लेने ने आर्ट्स के लेने ने या मैडिकल के लेने या नॉन मैडिकल के लेने ने है ना। सो अगे वो बच्चों का हुनर होंगे सीखण के ठीक है जी उस चीज़ को बोलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो किहड़े पड़ा दे विच बच्चे अपने साथी समूहों के सरगर्म मैंबर बनते हैं बालगता दे विच किशोर अवस्था दे विच बचपन विच जे शुरुआती बचपन एक बचपन हुंदा है ना एक शुरुआती जिहड़ा भी आपां कह सकते स्टार्टिंग तो स्टार्ट हुंदा बच्चे का। देखो कहिंदे किहड़े पड़ा दे विच बच्चे अपने साथी समूहां दे सरगर्म मैंबर बनदे हन राइट आंसर नंबर सी बचपन सॉरी सी सी ठीक है जी बचपन। नैक्सट क्वेश्चन देखो ये ना हुण इत्थे कई बार ये तर्क करन लग जांदे ने जिहड़े कुछ कु बच्चे हुंदे ने कि बचपन अते शुरुआती बचपन दे विच की अंतर है ये राजे तुहानूं पेपर दे विच क्वेश्चन ही इहो जिहे मिलणगे पी एस टैट दे विच जिथे माइंड दे नाल खेडिया जांदा गा आपां कह सकदे ना
कि उतो क्वेश्चन यह जे पाए जाते हैं कि आपको सारे आंसर के लगता हूँ कि चार ही सही नहीं, फिर चार के दो रह जाते हैं। सो इन चीज़ों को समझ के चलना पैंदा। ठीक है जी, अगे देखो, किरिया प्रस्तुत अनुकूलन पुनर भलन उपर निर्भर करता है। उत्तेजना की प्रकृति ना जड़ा बी ऑप्शन अगे देखो ए दोवें अनुक्रिया की प्रवृत्ति इन्हां विचों कोई भी नहीं। देखो राइट आंसर बनता नंबर सी, अनुक्रिया की प्रवृत्ति जिहड़ी बी ऑप्शन है ना वो नीचे आनी सी, है ना। चलो अपन दा आंसर तक मतलब है अनुक्रिया की प्रवृत्ति। ठीक है जी, अगे देखो, हेठ लिखियां दे विच्चों केड़ा कौल वर्ग दे नैतिक विकास दे सिधांत दा पड़ा नहीं है। कौल वर्ग ने एक नैतिक विकास दा सिधांत दित्ता सीगा, उन्हां दे विच्चों कहिंदे केड़ा सिधांत आ जिहड़ा दा पड़ा नहीं हैगा। पूर्व आर्थोडॉक्स, परंपरागत संवेदी उत्तेजना, या पूर्व उत्तर परंपरागत। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, इस तरह सही आंसर बनता नंबर सी, संवेदी उत्तेजना। ठीक है जी, अगे देखो, क्लासरूम संचार होना चाहिए है। कहने क्लासरूम का संचार किस तरह का होना चाहिए है? अध्यापक केंद्रित, इतने कह लो टीचर सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड, पाठ पुस्तक के अधीन होना चाहिए गा या आम केंद्रित, भाव ऑल ओवर सारी मिला के। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो राइट आंसर बनता नंबर बी। मैं तुम्हें पहले भी दस फस्ट क्लास के कि जिते पैडागोजी के आपू यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उत्थे आपने ये नहीं देखना, ना ही आप टीचर मुख रख के तुरना, ना ही क्लासरूम, ना ही सिलेबस न। अपने सिलेबस क्लासरूम उस तरह का बना जिदे अनुकूल बच्चे की कर सकन, टिक सकन। ठीक है जी, अपने बच्चे मुख रख के चलना है, उत्थे नहीं है कि आपदे अनुसार ही थोपी जावे बच्चों उपर। ठीक है, सो हुण क्लासरूम का संचार भी किवें होना चाहिए, बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। टीचर यह नहीं देखना चाहिए कि जे मेरे अनुकूल है मैं ही इस तरह ही लैके चलना, है ना। अगे देखो, बच्चे की मानसिक सेहत किस दे उपर निर्भर करती है? स्कूल दे उपर, भाईचारे उपर, परिवार उपर या उपरोक्त सारी? बच्चे की जिहड़ी मानसिक सेहत है किस दे उपर अधीन करती है, निर्भर करती है? राइट आंसर उपरोक्त सारी, डी उपरोक्त सारी। क्योंकि जेकर स्कूल दे विच बच्चे नू सही इनवायरमेंट मिलेगा ता ही तो घर दे विच आके पढ़ूगा। हुण मान लो बच्चे दे घर दे विच सही इनवायरमेंट नहीं तो बच्चा स्कूल जाके की पढ़ूगा? नहीं पढ़ सकता, है ना। सो बच्चे का आला दुआला भी सही होना चाहिए, परिवार भी सही होना चाहिए, ऑल ओवर सारा। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर इतने, ये गलती ना 16 लिखा गया। अध्यापक की शख्सियत दे विकास दे विच रुकावट केड़ी हुंदी है या रुकावट तट केड़ी नहीं? समाजिक वातावरण का ज्ञान, सभ्याचारक अनुभव, कल्पना की घाट या उच्च मानसिक समर्था? अध्यापक की शख्सियत दे विकास दे विच कहिंदे रुकावट केड़ी चीज़ पाउंदी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का नंबर सी, कल्पना की घाट। ठीक है जी, सो थैंक यू की वॉचिंग। सो बहुत बहुत लाइक शेयर तो कमेंट जरूर करना। सो मैं तुम्हें जी डेली एक इनफॉर्मेशन देनी हूँ कि जोड़े बच्चे ETT वाले या BEd वाले, है ना, तुम जेकर PSTET की प्रॉपर तरह तैयारी करना चाहते हो, जोड़ा PSTET तो होगी होगा। देखो है ना, परसों चौथे भी जी न्यूज़ के न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ आई सी कि PSTET क्यों नहीं हो रहा, सरकार तो मंग की जा रही है। और इस अलावा 12 जी फरवरी में भी संगरूर के धरना दे रहे हैं बच्चे PSTET वास्ते। सो बच्चों तो मान के चलो कि PSTET तो होगी होगा, है ना, ये हर एक हालत के होनी है। सो जे बच्चे अज तो ही तैयारी कर लगन, जो आप ये मनीए ना अज तो भी तुम लेट हो, सो जे बच्चे तैयारी हूँ भी कर लग जाएंगे उन्होंने वास्ते बहुत वधिया मौका, बैटर टाइम है तुहाडे वास्ते। सो जेकर PSTET की प्रॉपर तरह तैयारी करना चाहते हो, ETT वाले हो गए मैथ साइंस के नाल, सो BEd वाले जिहड़े बच्चे SST पंजाबी कॉम्बीनेशन तैयारी करना चाहते हैं, तो साढ़े एक ऐप बनया हुआ MSW Study4 का, है ना, MS
डबल्यू स्टडी फॉर द एक ऐप बनया हुआ है। तुसी उस ऐप के उपर जाके जो फ्री क्लास हैं तुसी सब तो पहले उन्होंने ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। और इस तो इलावा जेकर तुहाडा पूरा इंट्रस्ट बनता है कि जेडे बच्चे आपां इह कह सकदे ETT वाले 90 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं और BEd वाले पूरे 150 की है ना, सो तुसी बच्चे कोर्स में जरूर ज्वाइन करो। जेकर तुसी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो साढ़े मैं तुहानू एक नंबर दिनी आ 98787 31 752। तुसी इस जिहड़े फोन नंबर के उपर वट्सअप मैसेज राही या कॉल राही तुसी पूरी इनफॉर्मेशन जिहड़ी सर तो तुसी लै सकते हो। और एक चैलेंज मान के चलियो कि जिन्ने बच्चे ने अज तक भी साढ़े को तैयारी की सब बच्चों का जिहड़ा PS टैट का पेपर अपने जिहड़े पूरे नंबर के नाल उह लैके पास होए ने। सो थैंक यू। सो जरूर इस वल ध्यान देना। सो अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों मित्रों तक। सो मिलते हैं कल एक नवी वीडियो के साथ, ठीक है जी। सो थैंक यू।